ओके, सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज अपने, आई होप सबने लैपटॉप या पीसी से लॉग इन किया, बिकॉज यू विल यूज योर सेलफोन्स फॉर द क्विज. तो सब लोग अपने सेलफोन पे मेंटी मीटर टाइप करो इन द गूगल क्रोम और वट एवर यू आर यूजिंग, मेंटी मीटर. एंड उसमें मेंटी मीटर में द वेरी फर्स्ट थिंग विच विल कम इज द कोड. वो आपसे कोड पूछेगा. सो आई विल गिव द मीटिंग कोड इन द चैट बॉक्स. आप मीटिंग कोड आपको डालना है, ऑल ऑफ यू, एंड मेक श्योर आप लोग अपना नेम डालो उसमें. द नेक्स्ट थिंग विच इट विल आस्क यू इज योर नेम. अगर आप लोग अपना नेम्स नहीं डालोगे, अगर आप लोग अपना नेम्स नहीं डालोगे तो इससे हमें समझ में नहीं आएगा दैट हु इज विनिंग द क्विज, राइट? वील वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर फॉर एवरी वन टू ज्वाइन इन. तब तक आप लोग, सब लोग मेक श्योर आप लोग ज्वाइन इन करो. वी हैव पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी ज्वाइनिंग इन. आई विल शेयर माई स्क्रीन देन. अक्षत, हर्षिका, आयुष, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. Those who have joined अभी, please search for Mentimeter and जो सबसे पहला login आएगा, you have to just log in into that, click on the link and आपको पूछेगा code, meeting code. So I have sent the code in the chat box. Again, I will send it. आपको ये code डालना है and then you have to give your name. Make sure you give your name, maybe the first name only or the full name, so that we know who is winning the quiz. Let us wait for 2 minutes. Sab log join kar le and then I will discuss the rules. सबका लॉग इन हो रहा है ना, सबका मेंटीमीटर पे. जिसको अगर इशू हो रही है मुझसे पूछ लो, सो दैट सब लोग रेडी हो जाओ. एवरी वन ऑफ यू, आर यू एबल टू डू इट? आई विल वेट. अभी तक आई हैव 7 पार्टिसिपेंट्स ओनली. यहाँ पे वी हैव अराउंड 14, जिसमें से 1, 2, 3, सो वी एटलीस्ट शुड हैव 11 पार्टिसिपेंट्स. आई जस्ट हैव 7 पार्टिसिपेंट्स अभी तक. mentimeter.com में लॉग इन किया, उसके बाद लाइक माई प्रेजेंटेशन नहीं, इंस्पिरेशन. लॉग इन नहीं करना है, लॉग इन वाले में नहीं करना है. आई विल सेंड द लिंक, आई विल सेंड द लिंक. लॉग इन में नहीं जाने. यू जस्ट हैव टू, मैं बता रही हूँ, 1 सेकेंड. जस्ट टाइप मेंटीमीटर. Just type Mentimeter. www.menti.com में भेज रही हाँ, हूँ. आया ना कोड के लिए पूछा ना. दिस इज द लिंक, दिस इज द लिंक. कोई भी एक जन प्लीज ग्रुप में भेज दो ना कोड, द लिंक एंड द कोड.
ऑल्सो प्लीज सेंड द लिंक menti.com सो दैट जो भी नए ज्वाइन करे दे कैन ज्वाइन इन एंड देन वील स्टार्ट नाउ वील स्टार्ट सो आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. करेक्ट. ठीक है. सो क्विकली द रूल्स. सो वी हैव 10 पार्टिसिपेंट्स. हमारा रूल्स क्या होगा, हर एक क्वेश्चन, देर आर 25 क्वेश्चन, दीज आर फ्रॉम द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ CB2. ओके, वी हैव वन मोर पार्टिसिपेंट. तो सबके आई होप सबने नाम दे दिया है. अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही ज्वाइन करने में, यू ऑल कैन लेट मी नो. दिस इज द कोड गिवन. नाउ इन योर सेलफोन जहाँ पे आपने लॉग इन किया है जिससे, तो वहां पे आपके क्वेश्चन आएंगे एंड ऑप्शन आएंगे. यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन. एवरी क्वेश्चन हैज अ टाइम लिमिट. मे बी इट इज 25 सेकेंड्स. कुछ क्वेश्चन के 15 सेकेंड्स है, कुछ क्वेश्चन के 30 सेकेंड्स है, कुछ क्वेश्चन के 20 सेकेंड है. सो इट्स रेंजिंग बिटवीन 15 to 30 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन लेंथ. राइट. अब ऑब्वियसली जो सबसे करेक्ट आंसर मार्क करेगा या फिर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करेगा विल गेट फुल पॉइंट्स और विल गेट गुड पॉइंट्स. एंड उसके साथ साथ देर इज वन मोर थिंग ओवर हियर दैट जो सबसे फास्ट आंसर करेगा, जो सबसे फास्ट आंसर करेगा दैट पर्सन ऑल्सो विल गेट द हायर मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल क्षितिज एंड मुस्कान दोनों सेम आंसर, दोनों करेक्ट आंसर करें, बट मे बी मुस्कान इज आंसरिंग फास्टर, तो मुस्कान को ज्यादा मार्क्स या ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा दैन क्षितिज. राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क. यू विल ऑल्सो गेट द स्कोर फॉर answering the question fast. Right? Can we start? Anyone else joining in? Kisi ne kuch likha hai chat box mein ya group mein? Or else I will start. Just let me check the group. Okay. So the moment I start the quiz, agar kisi ko abhi problem hai to bol do, fir beech mein quiz nahi rukega. Any problem? Haan. एक बार आप फिर से रिपीट करो ना, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इतना देर से. एक छोटा सा मतलब जस्ट में बता दूं. कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव एमसीक्यू क्वेश्चंस, टाइम बाउंड क्वेश्चंस है, 15 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स, 35 सेकंड्स के टाइमर वहां पे चलता रहेगा. सो यू विल नो. सो यू विल गेट ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, कोई चारों में से कोई भी एक ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट है विच यू हैव टू सिलेक्ट. एंड यहाँ पे फास्ट, जैसे वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं होता था केबीसी में, वैसा ही है कि जो यहाँ पे फास्ट आंसर करेगा फास्टेस्ट उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि क्षितिज और मुस्कान दोनों सही आंसर दे रहे हैं, बट अगर मुस्कान फास्टर आंसर दे रही है क्षितिज से, सो उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा क्षितिज से. सो नॉट ओनली करेक्ट मार्क्स, करेक्ट आंसर, बट ऑल्सो द टाइम, कौन फास्टर आंसर कर रहे हैं. क्लियर. एंड इट इज फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ CB2. जैसे मैंने सबको बोला, आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड. इट विल बी सुपर इजी अगर आपने पढ़ा है ऑब्वियसली, एंड इट्स बी रियली फन. सो वंस आई एंटर द, वंस आई स्टार्ट द क्विज, बीच में रुकेगा नहीं. शुड आई स्टार्ट? ओके ग्रेट, आई होप. हाँ एक चीज और, वैसे जरूरी नहीं है बट अगर नहीं लेके बैठे हो पेन पेपर लेके बैठ जाओ. अगर आप नहीं लेके बैठे हो तो कैलकुलेटर भी ले सकते हो, बट कैलकुलेशन आर वेरी सिंपल. अगर जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट. पेन पेपर कैलकुलेटर लेके बैठो. वैसे जरूरत नहीं है बट if you all want to. Okay, I have one more participant. Ready? Start kare. Start kare. Okay, great. Please, sab log apna camera on rakho so that I can interact with you all. Okay, great. So I'm just clicking the enter button and we are starting the quiz. So we get the answer. So the very first question is, if good X and Y are substitute, an increase in the price of good X causes these 4 options. 13 seconds to go. आपको अपने फोन में आंसर, करेक्ट आंसर देना है. 3, 2, and 1. Time's up. सबने आंसर किया. सो सबने आंसर किया है 8. People have answered this question correctly. 2-3 लोगों ने गलत किया है. If good X and Y are substitutes, increase in the price of good X
will cause the quantity demanded of Goodex to fall and the demand curve of Y will shift to the right. Obviously, price of Goodex, तो Goodex का quantity कम होगा and ये दोनों substitutes हैं, तो there will be a shift in the demand curve of Y. ठीक है, ये जो तीन लोग हैं गलत, right? So let's see किसने ये answer सबसे fastest and correct answer किया है. And the winner is Anushree. अनुश्री ने फास्टेस्ट आंसर किया है एंड करेक्ट आंसर किया है. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुश्री. दिस इज योर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू आर लीडिंग. मेक श्योर यू मेंटेन दिस अगर आपको एंड तक जाने, बिकॉज जनरली आई सीन इन द क्विज जो स्टार्टिंग में फर्स्ट आते हैं वो एंड में नहीं आ पाता, सो यू हैव टू मेंटेन दिस. ओके, नेक्स्ट वी हैव महक एंड देन वी हैव क्षितिज. ओके, सो दीज आर द टॉप थ्री, ईशा, मुस्कान एंड आयुष. मे बी यू ऑल. ओके, ईशा एंड मुस्कान ने गलत आंसर टिक किया. आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है मुस्कान और ईशा? प्लीज इंप्रूव योरसेल्फ. स्टडी नहीं किया, मतलब मैंने ऐसे ज्वाइन किया बट पढ़ा नहीं है. नहीं नहीं नहीं, ये सारे ये प्लीज प्लीज, मतलब पहले पढ़ा था, रिवाइज नहीं किया. नहीं नहीं नहीं, गलत बात, ये सब प्लीज मत बोलो अनम्यूट करके. ये सब अनम्यूट करके मत बोलो, पॉजिटिविटी बना के रखो प्लीज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं. अभी तो 24 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं. So the next question is quickly, the demand equation for Goodex is 15 minus 0.5p and the supply equation is 3 plus 2p where p is the price. When the price is $6, there will be a 4 options, 30 seconds to go. Very simple, time bahut zyada hi de diya maine iske liye. Ten seconds to go. Seven people have answered. Eight. Chalo, chalo, chalo. And the time's up. Time is up. Chalo, dekhte hain. What is our correct answer? And the correct. Oh. Itna close competition. Aisa kaise ho gaya? So, ye hamara good X ka demand equation hai, and ye hamara supply equation hai. And price is 6. Surplus of good X and the price will fall. Surplus of good X and the price will rise. Char logo ne dono answer kiya and this is the correct answer. So let me just discuss this answer, this question. Ye hamara demand equation hai. Ye hamara supply equation hai. And agar aap in dono mein price daaloge, to aapka demand price is 6. तो आप यहाँ पे डालो आपका 15 माइनस 3, दैट इज योर डिमांड. एंड अगर सॉरी यहाँ पे 6 डालोगे दैट इज योर सप्लाई. सो यू कैन कंपेयर द डिमांड एंड सप्लाई. तो यहाँ पे वी हैव 6 पीपल रॉन्गली आंसर्ड एंड वी हैव 4 पीपल करेक्टली आंसर्ड. लेट्स सी किसने सही से आंसर किया एंड उसको बोलेंगे क्वेश्चन समझाने. सरप्लस ऑफ गुड एक्स एंड द प्राइस विल फॉल. अगर सरप्लस होता है तो प्राइस विल फॉल, राइट? इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है हमारा प्राइस, इसीलिए सरप्लस है. सो लेट्स सी. ओके, सो वी हैव आई थिंक महक इज द फास्टेस्ट. वेरी गुड महक, बताओ कैसे किया. देखा, मैंने बोला था अनुश्री, मैंने बोला था यही होता है. मुस्कान अभी भी जीरो पे है, क्या हो गया मुस्कान? जल्दी, मैंने स्टार्टिंग में मुस्कानों को ज्यादा ही तारीफ कर दिया एक्चुअली. महक, कैन यू जस्ट एक बार अनम्यूट करो खुद को एंड बताओ कैसे किया ये क्वेश्चन सॉल्व. डिमांड एंड सप्लाई कर गिवन थे ना, तो प्राइस दे रखा था, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाईड निकाल के सरप्लस होते. सरप्लस आ रहा था, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा आ रहा था देन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब अगर कोई बोलेगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो मैं कुछ नहीं बोल सकती. देख लो महक और अनुश्री, आप लोग का पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, तो अब डिसाइड करेगा आगे के क्वेश्चंस. मुस्कान, यू कैन स्टिल कम अप एंड जो लीडर बोर्ड में नहीं दिख रहे
जिन लोगों यहाँ पे नामो निशान नहीं वो भी आ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चंस में. यू हैव 23 क्वेश्चंस टू गो. सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन क्विकली. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बियर इज -2. इफ बियर इंक्रीजेस in price by 15%, the quantity demanded falls by how much? 20 seconds to go. ऐसा नहीं कि जल्दी करने के चक्कर में गलत कर दिया, ये मत कर देना बस. ओके, छह लोगों ने आंसर कर दिया है. ग्रेट, सबने आंसर कर दिया. मैंने ज्यादा टाइम दे दिया. एवरीवन हैज वोटेड. वेरी गुड. 30% इज द करेक्ट आंसर. क्या होता है ये जिसने भी तीन लोगों ने किया ना, आप शायद भूल चुके हो इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं. परसेंटेज चेंज बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है. तो 15% एंड इट इज -2, सो 30% चेंज इन हुआ क्वांटिटी. क्लियर? इतना सिंपल. मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया इस क्वेश्चन के लिए. नेवर माइंड, लेट्स सी अभी कौन लीडर बोर्ड में है, कौन फर्स्ट आ रहे हैं, देखते हैं. क्या मैं है कभी भी फर्स्ट है, अनुश्री फर्स्ट है या कोई और? अच्छा ओके. सो अनुश महक इज द फास्ट. महक कोई चीटिंग कर रहे हो क्या? कुछ ऐसा नहीं, पक्का? ठीक है. सो महक इज द फास्टेस्ट अगेन इस क्वेश्चन में. अरे ऐसा कैसे हो सकता है इतने सारे लोग में? और ये कौन है डॉक्टर सेंटीपीड, ये कौन है? अगर आप जी मैंने बहुत जल्दी जल्दी रजिस्टर कर दिया, मैंने नाम बताया अपना. ठीक है, कोई बात नहीं. डॉक्टर सेंटीपीड, आप इसी स्पीड से भरते रहो. पहले आप लीडर बोर्ड में नहीं थे. ठीक है, मुस्कान, मुस्कान ने सही आंसर किया. शी इज देयर नाउ. ओके, सो लेट्स सी कैसे मेंटेन रहता है. ये फर्स्ट तीन तो अभी भी वैसे ही मेंटेन्ड है यार, और 22 क्वेश्चंस है, इनको तोड़ो तीनों को. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the fourth question. If the demand and supply for a commodity both increase at each price, the market price will tend to. Both demand and supply increases. Market price mein kya effect hoga? 3, 2, and 1. Okay, we have 10 people answering the question. The correct answer is B, indeterminate. Determine nahi kar sakoge na, kaise remain unchanged nahi bol sakte, rise nahi bol sakte, because demand and supply increase ho raha hai. Kitne rate se increase ho raha hai hame nahi pata na, ki demand zyada increase ho raha hai kya supply se. जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड करते हैं ना, वो ये सब आंसर्स एकदम पक्का से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने क्लास में इस बारी बहुत अच्छे से समझाया था कि इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड सप्लाई डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई का इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होता है. राइट, सो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हाई, बिकॉज आपको पता नहीं कि डिमांड एंड सप्लाई कितने से चेंज हुआ है. आपको ये नहीं पता कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ है सप्लाई से या सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है. Again, let me just ask this question. Jinnone bhi sahi answer kiya, so only 5 people have answered. Very poor. This is very, very, very poor. Questions are not that difficult ki itna mujhe kam mil raha. Let's see kisne sahi answer kiya. Again, we have Mehak answering the fastest. Very good, Mehak. Very good. Very good. Mehak, just tell me one thing. Agar demand increase hota hai, toh price kya hota hai? Decrease. हम इंक्रीज का बात कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज और सप्लाई इंक्रीज, तो प्राइस डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज. तो हम बोल नहीं सकते ना कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. इट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी विद व्हिच डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. राइट, अभी भी ये फर्स्ट तीन इंटैक्ट है. क्षितिज एंड महक पे मोर देन 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो क्षितिज अगर जीतना है तो सुपर फास्ट होना पड़ेगा. क्लियर? अनुश्री अभी भी, सो महक ने काफी अच्छा लीड ले लिया है. अभी होप करो कि कमिंग क्वेश्चंस में फास्टेस्ट नहीं आंसर करे, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो. करेक्ट, चलो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन.
A firm's decision to reduce its expenditure on advertising is most likely to have the following impact on its demand curve. बहुत मैंने इतना टाइम क्यों दिया 25 seconds मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया एक्चुअली अ फर्म्स डिसीजन टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग खाली 5 लोगों ने फिर से ये 5 लोग कौन है जो ये बार बार सही आंसर करें कौन है ये 5 लोग वापस से ओनली 5 पीपल आंसरिंग द करेक्ट क्वेश्चन द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड बिकम मोर इलास्टिक एकदम ऑपोजिट अरे बस ऑपोजिट कर दिया एडवर्टाइजिंग का 2 मेन इम्पैक्ट होता है शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू द राइट एंड मेकिंग द कर्व इन इलास्टिक अगर आप एडवर्टाइजिंग कम करोगे तो पूरा ऑपोजिट इफेक्ट आ जाएगा उसका इतना सिंपल है चलो देखते हैं महक के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल है उसको लग रहा है उसने फास्ट आंसर किया है देखते हैं ओ इस बार आई थिंक क्षितिज है देखो क्षितिज अगर पहले ही बोल देती मैं तो तुम फर्स्ट फास्ट करते वेरी गुड क्षितिज वेरी गुड देखो दोनों का डिफरेंस देखो 1000 से कम हो गया है ऐसे ही मेंटेन करो क्षितिज एंड वी हैव डॉक्टर सेंटरपीड एकदम नीचे जो लीडर बोर्ड के बाहर है वो लीडर बोर्ड के बाहर ही है अभी भी मुस्कान इज अगेन मुस्कान आ जाओ ऊपर आ जाओ आयुष अक्षत रुचिता एवरीवन सो क्षितिज कांग्रेचुलेशंस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला तो बहुत इजी था चलो सिक्स्थ क्वेश्चन द डिमांड फॉर एग गुड एग्स हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ -1 वेयर एज सप्लाई हैज अ पॉजिटिव स्लोप इफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज अ टैक्स ऑफ 10 per unit on x this would 20 seconds to go अरे आंसर भी कर दिया किसी ने सही है टाइम्स अप आ जाओ टाइम्स अप सो ओके वाप ओके खाली 3 लोगों ने सही आंसर किया खाली 3 लोगों ने लेट्स सी इसीलिए मैंने सारा एमसीक्यू डाला है एंड जब मैं लास्ट में बोलूंगी ना कि मैं ये एमसीक्यू कहाँ से बनाया तो सब हंसोगे रुक जाओ शिफ्ट द सप्लाई कर्व फॉर एक्स अप टू अप बाय 10 एंड इंक्रीज द प्राइस बाय लेस देन 10 टैक्स इम्पोज पर यूनिट जब गवर्नमेंट करता है तो उसे फॉर्म का क्या होता है कॉस्ट इंक्रीज फॉर्म का कॉस्ट इंक्रीज बाय 10 यस और नो तो सप्लाई कर्व शिफ्ट अप बाय 10 बट प्राइस विल नॉट इंक्रीज बाय 10 क्यों क्योंकि उसका टैक्स का इफेक्ट कंज्यूमर एंड फॉर्म दोनों पे आएगा इसीलिए प्राइस विल इंक्रीज बाय लेस देन 10 ये सारा कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से मैंने क्लास में इतनी बारी बताया है Still only 3 people answering correct. Not expected. This was not expected. And मैंने जानबूझ के purposely I have given these questions जो मैंने live classes में समझाया है बहुत अच्छे से. This was the doubt of I don't know किसी का doubt था ऐसे tax के question में. If you all remember क्षितिज रुचिता मुस्कान जो live class attend करते हो ये किसी का doubt था इसमें tax का मैंने समझाया था tax का effect पूरा. Let's see किसने किया है. नाक कटवा रहे हो आज मेरा सबके सब त्रिशा नहीं क्षितिज क्षितिज इज आंसरिंग फास्ट वेरी गुड क्षितिज त्रिशा एंड रुचिता तीनों ने एंड तीनों लाइव क्लास अटेंड करते हैं वेरी गुड क्षितिज वेरी प्राउड ऑफ यू वेरी गुड त्रिशा रुचिता वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू सीरियसली जेन्युइनली दिस वॉज नॉट अ इजी क्वेश्चन बट मैंने क्लास में समझाया था वेरी प्राउड ऑफ यू 3 वेरी प्राउड चलो मुस्कान अरे थोड़ा ऊपर आओ डॉक्टर सेंटरपीड अभी भी वही है ये नीचे का तो चेंज हो ही नहीं रहा ये नीचे वाला चेंज हो ही नहीं रहा एंड ईशा तो है ही नहीं लीडर बोर्ड में शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि वो नहीं है लीडर बोर्ड में चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन अभी तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है द मेन कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ रहा था बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया इसका जो 20 seconds बिना मतलब का दिया मैंने आंसर भी कर दिया सबने चलो
दी मेरा ये चेंज ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन। तुम्हारी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, फिर से उसको वो करो मुस्कान, थोड़ा रिफ्रेश करने का ट्राई करो, ट्राई टू लॉग इन अगेन। वरना सबके, आई डोंट थिंक सबके में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मुस्कान ने खाली आंसर नहीं किया। वी हैव 10 पीपल आंसरिंग द क्वेश्चन। मेरा भी स्क्रीन लॉक हो गया था, मतलब जब आप डिस्कस कर रहे थे तो स्टार्ट करने पे फिर वो लोड करने लग गया, तो उसमें टाइम मतलब एक बार देखो, मे बी कोई नेटवर्क इशू हो रहा है तुम लोग के एंड से, क्योंकि मेरे एंड से एवरीथिंग फाइन। चलो, सो नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एंड कैपिटल, ये जो चार लोग हैं, ये चार लोग ये आए हैं टाइम पास करने के लिए। इनको नींद आ रहा है, बट ये बस क्विज है तो बस आ गए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं, मनी कहाँ से आ गया भाई? दो लोग, ये कौन दो लोग हैं? प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्टली लिख दो चैट बॉक्स में, एक बार हैंड रेस कर दो, कौन ये मनी? बाकी दोनों मुझे समझ में आ रहे हैं, फैक्ट्रीज का, ये मनी वाला कौन इंसान है? ये मनी वाला इंसान बहुत सही इंसान है, दो ये दो लोग, मनी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही इंसान है ये। कौन है? हर्षिका, तुमने किया है ना मनी? नहीं, बट ठीक है, मैं तो सामने काफी जेन्युइन लोगो एक्चुअली मनी। ओके, सो अगेन वी हैव फास्टेस्ट, अनुश्री ने किया आई थिंक दिस टाइम। ओ आयुष, वाह, ये देखो आयुष कितना ऊपर आ गए, डॉक्टर सेंटरपीट भी ऊपर आ गई। सो आयुष वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी बहुत क्वेश्चंस, अगर तुम ऐसे ही फास्टेस्ट मेंटेन करते रहा तो तुम आ सकते टॉप में। वेरी गुड आयुष। सो वी अगेन हैव महक, अनुश्री एंड क्षितिज, क्षितिज नीचे आ गया वापस। आयुष यू कैन डू इट, यू कैन कम एट टॉप। मुस्कान इज इट फाइन? एक बार हैंड रेज दिखा। ओके चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एट्थ क्वेश्चन है, अभी तो बहुत टाइम है। चलो, द सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग विच गुड्स टू प्रोड्यूस रिक्वायर्स। इसमें ऑप्शन फोर तो पता ही नहीं होगा यार, तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। चॉइस बिटवीन, अच्छा टाइम्स अप, देखो किसने सही आंसर किया, एवरीवन हैज वोटेड फर्स्ट। ओह चलो, ये अभी भी कोई एक जन अभी भी है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मार्केट प्रोसेस, कौन ये? मे बी इसने ऐसे ही कुछ भी किया है, इसने जानबूझ के मेरे को तंग करने के लिए ऐसे किया है। चॉइस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ऑल्टरनेटिव, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन तो यार कुछ भी नहीं है, बाकी दो ऑप्शन ये इसने, एक ने जो किया है वो ऐसे ही किया एक्चुअली जानबूझ के। लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया है। आई थिंक इट्स रुचिता, नहीं देखो किसने किया है, आयुष। अरे आयुष चलो एक बार अनम्यूट करो जल्दी से। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बताओ क्या स्ट्रैटेजी है तुम्हारा, कैसे तुम इतना जल्दी फास्ट कर पा रहे हो दो क्वेश्चंस? दीदी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं पर बहुत अच्छा आयुष, ऐसे मेंटेन करते रहोगे तो सी तुम लास्ट से एकदम ऊपर आ गए, धीरे धीरे करके टॉप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, लेट्स सी, मे बी हो सकता है आयुष जीते आज का क्विज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड द कंज्यूमर इनकम राइजेस, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंफीरियर गुड इज। 20 सेकेंड्स टू गो। दो लोगों ने आंसर किया अभी तक, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। 7 पीपल करेक्टली आंसरिंग, वेरी गुड। दिस वाज इंडीड अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट ऑन प्राइस बट क्वांटिटी विल फॉल। समझो, कॉस्ट इनफीरियर गुड है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हम लोग को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस,
यानी कि सप्लाई हमारा क्योर है, विल शिफ्ट, सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स. ये क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है. एंड द कंज्यूमर इनकम इज राइजिंग. कंज्यूमर इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड में क्या होता है? डिमांड गिरता है. ठीक है, डिमांड गिरता है, प्राइस क्या होगा? गिरेगा. यहाँ पे सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज. बेसिकली सप्लाई का ऊपर शिफ्ट हो रहा है, प्राइस इंक्रीज. तो एक जगह प्राइस इंक्रीज, एक जगह प्राइस डिक्रीज, तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट. एंड क्वांटिटी क्यों फॉल हो रहा है? डिमांड कम होगा, क्वांटिटी कम होगा. सप्लाई कर्व क्योंकि कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, शिफ्टिंग अपवर्ड्स, क्वांटिटी कम होगा. ठीक है, सो वेरी गुड, 7 पीपल ने सही आंसर किया. लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया. एंड दिस टाइम इट इज महक. महक इज बैक इन द गेम. बैक कैसे कोई और जीत सकते हैं इतना टाइम से? महक के मन में ये चल रहा था, अभी महक आ गया ऊपर, अभी सबको टफ कंपटीशन है. महक इज वे अहेड, देख लो बस. अनुश्री ही, अनुश्री बीट कर सकती है महक को. सीरियसली मैं थोड़ा हो रही हूँ बायस, बट आई वॉन्ट अ गर्ल टू विन, तो लेट्स सी. ठीक है, ओके, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो बोलना है बोलो, बट आई एम अ लिटिल बायस टुवर्ड्स गर्ल्स. चलो 10th क्वेश्चन. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल्स आर. अरे बहुत इजी था ये तो, 20 सेकेंड्स बेकार में दिया. 10 सेकेंड्स टू गो. एंड द करेक्ट आंसर इज, टाइम्स अप, टाइम्स अप. चलो, रिस्क अवर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है? ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया था कि इफ आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी 1 लाख कमाता है, मैं 1 लाख कमाती हूँ, किसका यूटिलिटी ज्यादा होगा? मेरा? उसका कम होगा, उसका तो बहुत ही कम होगा, है ना? सो इट इज ऑल अबाउट रिस्क अवर्स. ठीक है, जो पीपल हु आर रिस्क अवर्स, उनके लिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम ऑलवेज, व्हाट हैपेंस, इट द मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली डिमिनिशेस, राइट? सो मूविंग ऑन, जिन्होंने भी बाकी सब किया गलत है ऑब्वियसली. रिस्क सीकर्स एंड रिस्क लविंग आर बोथ द सेम. चलो देखते हैं किसने फास्टेस्ट किया है. एंड वी हैव क्षितिज. वेरी गुड क्षितिज. क्षितिज ने बोला ऐसे कैसे हो सकते हैं कि मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ, कोई और फास्ट कैसे कर सकते हैं? उसके मन में यही चल रहा है अभी. वेरी गुड. डॉक्टर सेंटरपीट ऊपर आते हुए, अक्षत नीचे जाते हुए. चलो नेक्स्ट आओ. This is our 11th question. Quickly on your screens. Opportunity costs is always 15 seconds. Jaldi. Arre answer bhi kar diya sabne. Wah wah wah. Ye to bahut easy tha yaar. Iske liye to mujhe 5 seconds dena chahiye tha. Cost in terms of the best foregone alternative. अभी भी पर कुछ लोग हैं, ऐसे दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ये दो लोग रहेंगे हमेशा, जो कॉन्स्टेंट बोलेंगे, जो इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, पता नहीं क्या ही सब बोलेंगे. नेवर माइंड, उस पर हम जाते ही नहीं है इस क्वेश्चन पे. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया. वी हैव, इसने आंसर किया है सबसे, क्षितिज अगेन. वेरी गुड क्षितिज. क्षितिज और अनुश्री का ऑलमोस्ट सेम है पॉइंट्स, एंड महक इज स्टिल लीडिंग. लेट्स सी क्या होता है, महक रहता है कि क्षितिज फर्स्ट आ जाते हैं. ओके, आयुष फोर्थ आ गया. आयुष इज नाउ ऑन फोर्थ नंबर. रुचिता इज फिफ्थ. लेट्स सी, अक्षत नीचे आ गया. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्विकली, In relation to insurance, the term moral hazard suggests PH is for the policy holder in your options. बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, 25 सेकंड्स दे दिया मैंने. Four people have answered the question. मुझे लग रहा है सब पहले ही आंसर कर देंगे. Eight
एवरीवन हैज आंसर्ड, एवरीवन हैज वोटेड कि कौन है एक जन जो नहीं वोट किया, किसने, एक जन कौन है जो नहीं वोट कर पा रहा. टाइम्स अप, चलो. सो द करेक्ट आंसर इज पीपल हु नो दे आर अ बैड रिस्क एंड आर मोर इंक्लाइंड टू टेक आउट द इंश्योरेंस. वन सेकेंड, वन सेकेंड. मत करो हैंड रेस, मुझे पता है ये क्वेश्चन गलत हो गया. दिस द करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन. पॉलिसी होल्डर में एक्ट इन अ वे विच मेक्स एन इंश्योर्ड इवेंट लेस लाइकली टू सॉरी मोर लाइकली टू अकर. फोर्थ ऑप्शन होगा एक्चुअली. पर 5 लोगों ने ये कैसे कर दिया? दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज नॉट मॉरल हैजर्ड, दिस इज एडवर्स सिलेक्शन, दिस इज एडवर्स सिलेक्शन. मत करो हैंड रेस, मुझे पता है दैट फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट. मे बी कुछ इशू हो गया और मैंने करेक्ट फर्स्ट आंसर भूल से डाल दिया. बट एक्चुअली एक काम करेंगे, वी विल ट्राई टू यू नो अवॉइड दिस सिचुएशन. जिन्होंने ये 3 आंसर किया है दोस पीपल आर करेक्ट, एंड जो ये 5 करे वो लकी हो गए. बट दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. लेट्स सी, लेट्स सी, ये 3 कौन लोग हैं जिन्होंने लास्ट किया था. अब तो 3 सभी बोलेंगे, बट इन द चैट बॉक्स जिसने फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट किया है. ईशा इज सेइंग रुचिता, एंड प्लीज इन द चैट बॉक्स राइट योर नेम्स वंस. आयुष फास्टेस्ट है, बट आयुष इज रॉन्ग एक्चुअली. आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी चेक इफ आई कैन सेट दिस अप. आई थिंक आई कैन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को हटा दूंगी फिर. ओके, किसने सही सही आंसर किया था सारा? मैंने चैट बॉक्स में लिखने बोला था आप लोगों को. रुचिता सिंह नहीं, बाकी 2 लोग कौन थे जिन्होंने सही आंसर किया? अनुश्री या निशा. ओके, 4 पीपल, वेरी गुड. एक्चुअली दैट वॉज अ रॉन्ग क्वेश्चन जिन्होंने बाकी. आई एम सो सॉरी यू गाइज. देर वॉज अ स्मॉल मे बी कुछ इशू हो गया था. सो दिस इज अगेन वी आर बैक टू द क्वेश्चन जो हमारा था. क्षितिज वॉज द फास्टेस्ट एंड दिस वॉज द स्कोर. उस क्वेश्चन को हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं. ईशा, अनुश्री एंड रुचिता, आई एम वेरी सॉरी कि आप लोग ने सही आंसर किया बट वी कुडंट टेक इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द 12th क्वेश्चन इज, इफ द गवर्नमेंट चूजेस टू यूज द रिसोर्सेज टू बिल्ड अ हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ अ स्कूल, दिस इलस्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ. गवर्नमेंट चूजेस टू यूज रिसोर्सेज टू बिल्ड अ हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ अ स्कूल. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप ये नहीं बोल सकते दैट इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिस्टम या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स. नहीं,
गवर्नमेंट दोनों जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो हॉस्पिटल बनाए स्कूल बनाए, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. मैक्रो इकोनॉमिक का कोई इधर पे आइडिया नहीं है. द आइडिया इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल एंड स्कूल. अगर हम कंपेयर करें तो हॉस्पिटल का ज्यादा आएगा, दैट इज वाई वी मेक हॉस्पिटल राइट डिपेंड. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इधर कोई रिलेशन नहीं है. एंड किसने सबसे आंसर फास्टेस्ट किया है, लेट्स सी, आई थिंक इट्स रुचिता. वेरी गुड रुचिता, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. चलो रुचिता इज ऑन द फिफ्थ नंबर. रुचिता आपके पास अभी काफी टाइम है, यू हैव अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस, आई थिंक 11 क्वेश्चंस टू गो, सो यू कैन कम अप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, 13th क्वेश्चन. गुड एक्स हैज अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू गुड वाई विच इज -1. गुड एक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू गुड वाई. फाइव सेकेंड्स टू गो एंड टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. गुड एक्स का क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वाई के साथ -1 का. -1 नेगेटिव साइन है, मतलब क्या, अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ेगा, सॉरी, तो डिमांड क्या होगा गुड वाई का, क्या होगा क्षितिज? बढ़ेगा हाँ, सो माइनस है ना, -1 है, सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, करेक्ट. इट्स माइनस, यहाँ पे माइनस साइन मैटर करते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी कौन जीत रहे. आई ओ बाकी लोग फास्टेस्ट इज महक, फास्टेस्ट इज महक, वेरी गुड महक, वेरी 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 गुड. महक इज लीडिंग, इनफैक्ट 1000 पॉइंट से भी ज्यादा लीड कर रही है. तो बहुत डिफिकल्ट है इसको हराना, बहुत डिफिकल्ट है. मैम आंसर था क्या, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट? सब्स्टिट्यूट. तो आंसर इसमें लिया कॉम्प्लीमेंट. वन सेकेंड, ऐसा बात है क्या? क्या हुआ, वन सेकेंड. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वन सेकेंड, वन सेकेंड. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके, वन सेकेंड. यस मैं बता रही हूँ, एक्चुअली नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं था. -1 है ना, -1 का मीनिंग क्या होता है? -1 का मीनिंग क्या होता है, महक समझाओ एक बार. ये दोनों आंसर्स एक्चुअली करेक्ट है. एक बार महक बताओ, तुमने तुमने कौन सा सिलेक्ट किया? तुमने आई थिंक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट किया है. ऑप्शन सी किया, ऑप्शन सी किया, ऑप्शन सी किया. हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्वांटिटी मतलब कि एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज होगी. सबसे पहले तो इट इज वन, सो इट इज माइनस वन. हाँ नहीं, मैं वन इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट इज हैज टू बी अ परफेक्ट और अ इम्परफेक्ट पूरा चीज. नाउ इफ इट्स अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट देन इट्स ऑब्वियसली अ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. आपने, अगर मैं बोल रही हूँ प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर बढ़ेगा, सो डिमांड ऑफ गुड वाई क्या होना चाहिए, लेस, तभी तो माइनस साइन आएगा ना. माइनस साइन क्यों आएगा? क्षितिज ने एक्चुअली गलत बोला, मैंने भी हाँ बोल दिया. -1 है. वॉट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स? क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ क्वान्टिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी ऑफ गुड बाय बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, है ना. प्राइस एक का देखते हो, एक का क्वान्टिटी देखते हो, दैट इज योर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि प्राइस ऑफ
एक्स भर्ड है, सो डिमांड क्या होगा, गुड एक्स वाई का कम, तभी तो नेगेटिव साइन आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे तभी तो. एंड इफ इट इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट देन इट हैज टू बी अ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बट एक्चुअली दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर. ये दोनों सही है, दीज टू आर द करेक्ट आंसर्स, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, अगर पॉजिटिव होता तो सब्स्टिट्यूट लेते हैं. क्षितिज क्लियर? एवरीवन क्लियर? जिन्होंने भी एट नाइन लोगों ने गलत किया. इनफैक्ट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, डिमांड ऑफ अनदर गुड प्राइस ऑफ अनदर गुड, दैट इज द रिलेशन. सो इट्स नेगेटिव, मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, राइट? सो यस, महक इज लीडिंग. महक ने ही सही आंसर दिया है इनफैक्ट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज एक्चुअली येस अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जहां पे आंसर वॉज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट या इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ओके चलो दूसरा. इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इंफीरियर गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज इट्स डिमांड कर्व टू शिफ्ट लेफ्ट? इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इंफीरियर गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज इट्स डिमांड कर्व टू शिफ्ट लेफ्ट? नाइन पीपल हैव ऑलरेडी आंसर्ड. एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई गेस, क्योंकि राइज इन प्राइस ऑफ द कार्स का रिलेशन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या है दोनों का रिलेशन. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगेन इससे सप्लाई में इफेक्ट होगा. एंड येस प्राइस में इफेक्ट होते हैं, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. एंड देन एंड यहाँ पे कि इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कर्व को हमें शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिमांड को हमें डिक्रीज कराना है. सो डिमांड डिक्रीज कराने के लिए कंज्यूमर्स इनकम शुड इंक्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ इंफीरियर गुड. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द चार्ज, ये बहुत सिंपल था. लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया एक्चुअली, बिकॉज सबने सही आंसर दिया यहाँ पर. सो द फास्टेस्ट इज आई थिंक अगेन महक. यस इट्स अगेन महक एंड ही इज लीडिंग मोर देन 200, अराउंड 2000 पॉइंट्स ही इज लीडिंग. चलो वेरी गुड वेरी गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन. अ कंपनी मेक्स इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द रिस्क प्रीमियम इज 5%. इफ द बैंक ऑफर अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट एट 3%, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी इज व्हाट? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच आई हैव डिस्कस इन माय लाइव क्लासेस, अगर किसी ने अटेंड किया है तो, जिसने भी. टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर इज 8%. थ्री पीपल हैव करेक्टली आंसर्ड ओनली. पहली बार तो खाली 6 लोगों ने आंसर किया है, जिसमें से 3 लोग गलत हैं 3 लोग सही हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुल, अभी इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपनी कमा रहे 10% का, अगर वो नहीं ये कमाता तो वो अपना सेविंग्स अकाउंट में रखता पैसा, उस पर 3% कमाता. एंड द रिस्क प्रीमियम ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5%. सो 5 + 3 गिव्स यू 8%. एंड आई एम प्रिटी श्योर ये 3 लोग जो हैं ये पक्का वो लोग हैं जिन्होंने मेरा लाइव क्लासेस अटेंड किया, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड. मुस्कान के फेस पे बहुत बड़ा स्माइल है, मुस्कान ने करेक्टली आंसर किया है. आयुष एंड ईशा ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मुस्कान ने एकदम फास्टेस्ट आंसर किया, वेरी गुड मुस्कान वेरी गुड, बिकॉज दिस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वी डिस्कस्ड. वेरी गुड मुस्कान. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी भी महक लीड कर रहे हैं. 16th question. The total revenue from the sale of a good will fall if, 4 options in front of you and 15 seconds to go. 2 लोगों ने आंसर भी कर दिया. एंड टाइम्स अप. द प्राइस ऑफ गुड राइजेस एंड डिमांड फॉर गुड इज प्राइस इलास्टिक.
टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, अब देखो सब ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। प्राइस ऑफ गुड एक्स इज राइजिंग, इलास्टिक है। अगर इलास्टिक है और प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इंक्रीजिंग तो डिमांड तो डिक्रीज होगा, एंड क्योंकि इलास्टिक है तो डिमांड पे ज्यादा वेट डालते हैं हम लोग, क्वांटिटी पे ज्यादा वेट डालते हैं, सो रेवेन्यू विल फॉल। बाकी ऑप्शंस, यहाँ पे इलास्टिक है एंड प्राइस इज राइजिंग, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है एंड प्राइस इज राइजिंग, तो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि इन इलास्टिक जब होता है तब प्राइस पे वेट डालते हैं, जब इलास्टिक होता है तो क्वांटिटी पे वेट डालते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो ये आप लोग 6 लोग जो हो, अगर आप सबसे पहले तो कंज्यूमर इनकम फॉल एंड द इंफीरियर गुड कहाँ से आया पता नहीं, द कंज्यूमर इनकम फॉल्स एंड द गुड इज एन इंफीरियर गुड। अगर गुड इंफीरियर है एंड इनकम फॉल हो रहा है, सो आपका आप कैसे पर बोल सकते हो कि टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा? हाउ कैन यू से दिस? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है, बट आप रेवेन्यू के लिए नहीं बोल सकते। सेम गोज फॉर दिस। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस मूवमेंट। तभी तो हम बोलते हैं कि इन इलास्टिक, अगर हमारा डिमांड कर्व है, प्राइस बढ़ाओगे सो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, यहाँ पे हमने डिक्रीज किया। क्लियर? लेट्स सी कौन ये 4 लोग हैं जिन्होंने सही आंसर किया है। पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। डॉक्टर सेंटोपीड, हर्षिका, क्षितिज, अनुश्री, महक, खाली ये 4 लोगों ने सही आंसर किया एंड क्षितिज इज द फास्टेस्ट। वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड। दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। मूविंग ऑन, सारा कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है आपका, कैसा आपका कॉन्सेप्ट है। 17th क्वेश्चन देखो। इफ इन अ मार्केट, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इज टू, कुछ ज्यादा ही मैंने टाइम दे दिया आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए। वी हैव 2 पीपल आंसरिंग इट। 10 seconds टू गो, 10 seconds टू गो। Everyone has voted and the correct answer is provide a means of allocating resources. Free market economy, the basic function of price mechanism. What is price mechanism? Demand and supply equal करना automatically अपने आप freely without government intervention to reach in the equilibrium position. Provide the means of allocating the resources. Ensure that all the consumers wants to be satisfied. नहीं, ये नहीं है फ्री मार्केट का। दिस इज नेवर अ फ्री मार्केट का फंक्शन। फ्री मार्केट में फर्म एंड कंज्यूमर दोनों का वेट होता है। वी डोंट ओनली फोकस ऑन कंज्यूमर्स। एनेबल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो है ही नहीं। एंश्योर दैट ऑल द गुड्स इन द सोसाइटी, एंश्योर दैट ऑल द गुड्स दैट सोसाइटी नीड्स आर प्रोड्यूस, ये कैसे हो सकते हैं ना फ्री मार्केट। इसके लिए तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करते हैं ना, ताकि जो गुड्स जरूरी है वो प्रोड्यूस हो पाए। इन अ फ्री मार्केट यू विल नेवर, यू विल जनरली गेट दोज गुड्स विच आर, विच द फर्म्स वांट टू प्रोड्यूस, यहाँ पे उनका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। करेक्ट है। सो प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। लेट्स सी, बहुत बारी एलिमिनेशन इफेक्ट भी काम आता है, कि अगर आपको लग रहा है ये 3 ऑप्शंस गलत है, जो देख के पूरा पूरा लग रहा है, सो यू गो विद दिस ऑप्शन। इफ यू फॉलो द एमसीक्यूज, मैंने क्लास में उसे बोला है कि हमेशा एलिमिनेशन वाला टेक्निक यूज किया करो जब एक सही आंसर नहीं समझ में। महक, क्षितिज, मुस्कान, प्रशिष्टा आंसर आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली एंड मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। मुस्कान देखो एकदम नीचे थी एंड शी इज नाउ इन द 5th प्लेस, वेरी हैप्पी। एंड महक अभी भी लीड कर रहे। महक को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, वो एकदम तैयार होके आया आज की, वो जीत ही जाएगा। एंड देर इज अ प्राइज एट द एंड विच यू विल गेट। मैक के फेस पे बहुत बड़ा स्माइल आते हुए। 18th क्वेश्चन, चलो। द प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी इन इकोनॉमिक्स, एक्चुअली इन इकोनॉमिक्स, 15 सेकेंड्स टू गो। काफी लोगों ने आंसर कर दिया, इनफैक्ट आई थिंक मैंने ज्यादा ही टाइम दे दिया, 10 सेकेंड्स देना चाहिए। डजेंट मैटर, जिसने फास्टेस्ट किया वो जीतेगा। एंड
टाइम्स अप, एवरीवन हैज वोटेड, ओके 9 लोगों ने खाली आंसर किया एंड माय करेक्ट आंसर इज एग्जिस्ट्स बिकॉज देर आर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. वांट्स आर हायर, रिसोर्सेज आर वेरी लेस, राइट. ये सारे बाकी मैं अब डिस्कस भी नहीं कर रही बिकॉज दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी. एंड वी हैव अनुश्री एज द फास्टेस्ट. वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड, वेरी गुड अनुश्री. ऑलमोस्ट सबने सही आंसर किया एंड अनुश्री वॉज द फास्टेस्ट. चलो अनुश्री इन द इज इन द थर्ड पोजिशन बट वी हैव 5-6 questions to go and Anushree, you can beat Mehak and Chitaj. This is question number 19. Good X has a price elasticity of demand minus 1.5. In such circumstances, a per unit sales tax on Good X of 5 will lead to which of the following? This is a little difficult question. 25 seconds to go. तीन लोगों ने आंसर भी कर दिया. वाह चलो 6 लोगों ने आंसर कर दिया. ओके सो 4 लोगों ने खाली सही आंसर किया है. अ राइज इन द प्राइस चार्ज्ड टू कंज्यूमर और इज लेस देन 5. सो बेसिकली क्या है देखो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है माइनस 1.5. सो बेसिकली इट्स इलास्टिक एंड per unit sales tax is increasing is of 5 which has been charged. तो सबसे पहले तो हमें खाली एक चीज का ध्यान देना है that the demand curve is elastic. So जब demand curve elastic होता है तो यहाँ पे main हम लोग consumer का जब बात करें a price a rise in the price charged to the consumer is less than 5. तो consumer पे जो effect आएगा firstly दोनों पे effect आएगा, ठीक है, कंज्यूमर पे एंड ऑन द फर्म. यहाँ पे इलास्टिक है डिमांड का तो कंज्यूमर पे लेस अफेक्ट आएगा. कंज्यूमर पे लेस अफेक्ट आएगा क्यों? क्योंकि प्राइस, क्योंकि डिमांड कर्व क्या है, इलास्टिक है. ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. मूविंग ऑन, लेट्स सी किसने सही आंसर किया. खाली 4 लोगों ने एंड द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर क्षितिज, रुचिता, त्रिशा, निशा. ये 4 लोगों ने, वेरी गुड ईशा. ईशा वो सिंह मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, अभी देखो सही आंसर करिए सारा. एंड क्षितिज इज द फास्टेस्ट, ही इज इन द सेकंड पोजीशन. लेट्स सी वो बीट कर पाते हैं कि नहीं महक को. एंड ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. लीडर बोर्ड का पोजिशन चेंज नहीं हो रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा है एकदम भी. पोजिशन थोड़ा चेंज करो भी. दिस इज द 20th क्वेश्चन. Quickly, if an 8% increase in the price of good X results in 4% fall in the quantity of good X demanded, then the approximate price elasticity of demand for good X is. And time's up, time's up. चलो I think एक या दो लोगों ने आंसर नहीं किया. If an 8% rise in the price of good X, तो price में हमारा 8% का increase है and quantity में 4% का decrease है. So elasticity of demand क्या होगा? Minus 0.5. कैसे? 4% by 8%, simple. इसमें मैंने first of all 30 seconds नहीं देना चाहिए था. This was very simple. 4% by 8%. ये कौन है, दो लोग कौन है पता नहीं जिसने 8/4 किया. वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. एंड फास्टेस्ट किया है क्षितिज ने, गलत किया इधर. आयुष ने फास्टेस्ट किया, वेरी गुड आयुष. देखा मैंने बोला था आयुष एकदम नीचे था, अभी वो 4th नंबर पे. एंड स्टिल यू हैव 4 क्वेश्चंस टू गो सो यू कैन बीट आयुष, यू कैन कम इन द फर्स्ट 3.
if the income elasticity of demand is 2, a rise in all consumer disposable income from 50 to 52 will increase the quantity by. Time's up, and the correct answer is 4%. Khali, correct answer is 8%, sorry, and khali 9 logo ne, kisi ne answer nahi kiya. Kisi ne sahi answer nahi kiya. Price elasticity is 2, a rise in all the consumer disposable income by D, disposable income, may increase hai from 50 to 52, the quantity will increase by 8%. Let's see, किसी ने नहीं किया, इनफैक्ट सबने गलत किया, तो इसमें किसी को भी मार्क्स नहीं मिलेगा. लेट्स मूव ऑन, लीडर बोर्ड चेंज नहीं हुआ हमारा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. नहीं, अभी हमारे 3 क्वेश्चन अब बचे हुए. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ गुड एक्स. विल नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. Not cause a shift in the demand curve. Again, everyone has answered. Very good. Not cause a shift in the demand curve. A change in the price. Price ke wajah se there will be a movement upside or downside. There will be no shift. Ye 3 logo ne galat answer kiya. Tastes, income, and price change in other goods will lead to shift in the demand curve, either left or right. So let's see. Mehak has answered. Mehak, again, very good. Mehak, very good, very good. And hamare leaderboard mein, this is the position which is not changing. Wahi position pe aa ja rahe hain Mehak, Anushree, Kshitij. लास्ट 2 क्वेश्चन, लेट्स सी, अभी भी टाइम है. अनुश्री बीट कर सकती है. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन. मेरा लॉग आउट हो गया है. ठीक है, मैं वेट करूं क्विकली. मुझे थम्स अप दिखा देना प्लीज क्विकली. So the next question is, second last question is, if a maximum price of good X is fixed above the market equilibrium price, there will be 4 option aapke paas. Quickly. Kisi ne answer bhi, oh, very good. Maine zyada time de diya, I guess. Maximum price of good X is fixed. Maximum price is fixed above the market equilibrium. Again, we discussed this question in class. Maximum price, agar hum upar rakh rahe market equilibrium hai, uske upar aap maximum price rakh rahe ho. Aap minimum nahi rakh rahe ho, maximum rakh rahe ho. To uske niche to price ja hi sakta hai? Yes or no? No tendency for the market price of good X to change. Iska kya matlab hai? Agar aapka equilibrium price hai, जिस पे अभी आपका करंट प्राइस है, आप मैक्सिमम उसके ऊपर दे रहे हो. प्राइस सीलिंग आपका ऊपर है, नीचे नहीं है. क्यों प्राइस चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? एन एक्सेस सप्लाई क्यों होगा? एन एक्सेस डिमांड क्यों होगा? ये सब चीज आपका इक्विलिब्रियम प्राइस तो अभी चल रहा है मार्केट में. आपने मैक्सिमम प्राइस अगर ऊपर रखा भी तो कोई चेंज क्यों होगा? नो टेंडेंसी फॉर द मार्केट प्राइस टू चेंज. लेट्स सी. Again, this question was discussed in class. 4 logon ne, Kshitij, Anushree, Mehak, Prashishta ne answer sahi kiya hai, and Kshitij is the fastest. Very good, Kshitij. Very good, Mehak is leading, and thoda kam chance hai actually last question mein points lana, but agar Mehak sabse, agar Kshitij ekdam fast karte ho, to Mehak ko beat kar sakte ho. Let's see. Chalo. Last question. For the day, wheat is an essential input in the production of pasta. An increase in the price of wheat would have an impact on the demand and supply of pasta by shifting. What is it?
increase in the wheat price of wheat and सबने आंसर किया है सो एवरीवन हैज वोटेड द करेक्ट आंसर इज सप्लाई कर्व सबसे पहली बात तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर का प्राइस इज इंक्रीजिंग तो डिमांड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा बट योर सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स और इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट वेरी गुड ये छह लोग जिन्होंने गलत आंसर किया है अब क्या सोच रहे हो डिमांड पे तो पहली बात कुछ असर होगा ही नहीं राइट क्यों होगा ऊपर शिफ्ट होगा ना इट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग लेट्स सी किसने फास्ट किया एंड दिस इज ऑब्वियसली द डिसाइडिंग राउंड रुचिता अनुश्री क्षितिज एंड महक करेक्टली आंसर्ड एंड रुचिता ने सबसे फास्ट आंसर किया वेरी गुड एंड महक इज द विनर वेरी गुड महक वेरी 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 गुड You can just unmute yourself and you can just say ki what was your strategy? Did you revise the 5 chapters aur aapne bahut acche se padha hai? Aap itne fast almost har questions mein kaise the? Just 1 minute. Aapko time milega apna. Award aapko jaate hai to aapko kya bolna hai? मैंने सेकंड चैप्टर तो पढ़ा नहीं था उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया अरे ये देखो बस इसको लक बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ा नहीं और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया चलो इसको लक बोलते हैं और बताओ बाकी 3, 4, 5 अच्छे से पढ़ा था फर्स्ट तो मतलब नॉर्मल है फर्स्ट चैप्टर तो नॉर्मल है सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर ऐसे ही मैंने नहीं दिया बिकॉज़ वो मैक्रो था तो वो मैक्रो में ही जाएगा पूरा बट यस महक वेरी गुड वेरी हैप्पी फॉर यू वेरी 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 हैप्पी जो ईशा मिस्टर डॉक्टर सेंटरपीड एंड त्रिशा जो भी नीचे है ना डोंट टेक इट एज अ सेटबैक टेक इट एज अ लेसन कि आप लोग अभी कहाँ हो क्वेश्चंस आर जनरल क्वेश्चंस एंड पता है ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस थे सारे मैंने कुछ को चेंज किया नो डाउट आई हैव इम्प्रोवाइज्ड आई हैव चेंज माय क्वेश्चन आई हैव टेकन दोस क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में कराया पर्पसली बट दीज ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कुछ एकदम ही यूनिक पढ़ रहे थे सो ओके दैट इज इट फॉर टुडे आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्विज एंड यू ऑल नो वेर डू यू स्टैंड कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लैक हो रहा है कहाँ आपको वर्क ऑन करना है बिकॉज ट्रस्ट मी आपका जो वो 34 marks 32 marks जो आता है पूरे MCQ में दैट इज द डिसाइडर वहाँ आप लोग CBT में मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो क्योंकि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपके जो रेस्ट 10 to 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 2 10 marks के क्वेश्चंस होते हैं बाकी सारे 4 to 6 marks के क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे स्कोर करना ट्रस्ट मी थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपके MCQs में ही है ऐसा जगह जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो एंड फुल भी आते हैं बहुत जनों के MCQ में ट्रस्ट मी सो यस कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी करना पड़ता है कि ये 3 options नहीं होगा तो 4th option होगा Now you all know where you all stand. We'll have one more quiz next week and I will let you know maybe next 3 chapters ka hoga. And so start preparing. Do not feel sad if aapne nahi jeeta ya fir aap complacent mat hona agar aap jeet rahe ho. Agar aapka achha score aa raha hai. This is just the first quiz. We'll be obviously conducting for all the chapters. Theek hai? I hope you all enjoyed the quiz and sab log ek smile de do meko. Okay. Great. So See you all soon. Aise padhte raho. And if you all have any questions, you all can ping me. Okay. Bye. I hope you all enjoy. Good night.